अनअकैडमी। मेरे अंदर होना चाहिए टैलेंट, मेरे अंदर होना चाहिए इंटेलिजेंस, इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि नहीं। हेलो दोस्तों, भाई आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जुडिशरी एग्जाम से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल कि हर स्टूडेंट के मन में वो आते ही है जब वो एग्जाम की तैयारी शुरू करता है। भाई उसका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना भी अच्छा रहा हो, खराब रहा हो, और उसकी लाइफ की परफॉर्मेंस कितनी भी एवरेज क्यों ना रही हो, ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में आते ही हैं जब वो एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करता है। तो ये कौन कौन से सवाल हैं आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई कौन से सवाल है, तो जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करें, यानी कि भाई स्टूडेंट के पास कोई भी मार्गदर्शन नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता कि कौन सी बुक उठाकर पढ़ना शुरू कर दूं, क्या सही तरीका है पढ़ने का, ये कोई भी चीज स्टूडेंट के पास नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट जो है वो अपने आप को अकेला पाता है इस तैयारी में। साथ ही क्या एग्जाम क्वालिफाई करना कठिन है, यानी कि क्या स्टूडेंट सोचता है मेरी लाइफ में जो मैंने एवरेज परफॉर्मेंस दी या फिर मेरी परफॉर्मेंस पुअर रही एकेडमिक्स में, क्या मैं इस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंट जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है उसके मन में सवाल आता है, भाई एकेडमिक्स में तो मैंने अच्छा कर लिया, क्या मैं जुडिशरी में भी अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि वहां तो बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा। ऐसे काफी सारे सवाल स्टूडेंट के मन में आते हैं। साथ ही क्या मुझे जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं, या फिर मैं कोई और जगह अपना करियर बनाने की सोचूं, ऐसे कुछ सवाल स्टूडेंट के मन में हमेशा आते हैं जब वो एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपके भी मन में ऐसे ही कोई सवाल है तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, और एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए आप लोगों से बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। भाई जहां सबसे पहले बात की जा रही है, सर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किस चीज की जरूरत है, मतलब मैं एग्जाम क्वालिफाई कर क्या लूं, मेरे अंदर क्या होना चाहिए कि मैं सोच सकता हूं कि जुडिशरी एग्जाम कर सकता हूं, मैं जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, ये कैसे मैं सोच पाऊं, ये एक बड़ा सवाल हर स्टूडेंट के मन में आता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए, क्या आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर मेरे अंदर होना चाहिए टैलेंट, मेरे अंदर होना चाहिए इंटेलिजेंस, और मेरे अंदर होनी चाहिए स्मार्टनेस, क्या इसके बेसिस पर मेरा एग्जाम निकलेगा। सवाल ये है भाई, टैलेंट से क्या मतलब है, भाई टैलेंट से मतलब है आपकी अप्लाइड अप्रोच बहुत अच्छी है, आप जिंदगी में चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, कितनी भी मुश्किल चीजें क्यों ना हो आप चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, तो ये बोलते हैं कि आप टैलेंटेड हो। इंटेलिजेंस, आप बहुत अच्छे से चीजों को मेमोराइज कर लेते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, तो इसे हम स्मार्टनेस में काउंट करते हैं। तो क्या मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए टैलेंट, इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस की जरूरत है, तो क्या मेरे अंदर वो कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इतनी सारी चीजों के बेसिस पर ही क्या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो आइए जवाब ढूंढते हैं। भाई इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि नहीं, ऐसा कुछ भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो फिर सर कैसे एग्जाम होगा, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा सिर्फ तीन चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में बिठा रखी हैं तो आपका एग्जाम 110% होगा। ये तीन चीजें क्या हैं, तो मैं बोलूंगा इन तीन चीजों में सबसे पहले काउंट होता है प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि आपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी को कैसे करना है और कैसे स्टार्ट करना है, इसी के बारे में कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग। कैसे की जा सकती है मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा, तो इसलिए ये वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। भाई हो सकता है आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी हो, आप एक महीने पहले एग्जाम से पढ़ के बहुत अच्छे से आंसर्स कर लेते हो, मगर यहां वो काम नहीं चल पाएगा, आपको डेली बेसिस पर अपने एग्जाम की तैयारी को करना होगा, ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होगी, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। इसके अलावा तीसरी चीज है डिसिप्लिन लाइफ। भाई डिसिप्लिन लाइफ का क्या मतलब है कि आपने जो चीजें फॉलो की हैं उसी के साथ आपको जीने की आदत भी होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं,
और ये बातें कैसे लाइफ के अंदर उतारी जा सकती है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि प्रॉपर प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाइफ, ये तीन तरीके अपनी जिंदगी में कैसे उतारें और जुडिशरी के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। भाई सबसे पहली बात, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से प्रॉपर प्लानिंग की। भाई कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना स्टार्ट करें, ये सवाल बहुत बार मन में आता है कि प्रॉपर प्लानिंग होगी कैसे और इस प्रॉपर प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जाती है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानिंग का, वो ये है कि आप ऐसे ही कुछ भी उठाकर पढ़ने मत लगे। सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए कि सिलेबस की डिमांड क्या है, उसके बाद आप एग्जाम पैटर्न को एनालाइज कीजिए। मतलब सर सिलेबस की को समझना कैसे और एग्जाम पैटर्न को कैसे एनालाइज करना है। भाई आप लोगों को हो सकता है कि सीआरपीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगता हो, आप लोगों को आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगता हो, बट आपने को शायद पता ही नहीं है कि बिहार में तो आईपीसी पूछा ही नहीं जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी। दूसरी चीज, भाई आपको लगता है किसी सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो तो एग्जाम में बहुत टाइम से पूछा ही नहीं जाता। या फिर आपको लगता है कि सिंपल वे में पढ़ लेना चाहिए, भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज एफआईआर, व्हाट इज कॉरोबोरेशन एविडेंस, आपने ऐसी चीजें सोच रखी है, बट इस केस में यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई आपको यहाँ अप्लाइड वे में पढ़ने की जरूरत है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आप डीजीएस के लेवल की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, आप बिहार के लेवल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या आप यूपी के लिए एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप सारे स्टेट को मिलाकर तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, ये मन में क्लैरिटी होनी जरूरी है। क्या सर सारे स्टेट की तैयारी एक साथ की जा सकती है? मैं बोलूंगा बिल्कुल की जा सकती है, जहां लैंग्वेज बैरियर नहीं है वहां सारे स्टेट की तैयारी एक साथ की जा सकती है। मगर इंपॉर्टेंट ये 5 स्टेप हैं। ये कौन कौन से स्टेप है? तो आपको अपना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसका पैटर्न भी एग्जाम के अकॉर्डिंग एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद इस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में कैसे लाना है ये भी सोचना पड़ेगा। यानी कि मुझे ये पूरा सिलेबस विद इन टाइम कवर करना है, यानी कि आप सिलेबस को ऐसे कवर करो कि आप एक साल के अंदर अंदर सिलेबस को कवर कर लोगे। और फिर उसके बाद आपको ये स्टेप भी सोच के चलना है कि मैं सिलेबस को कैसे रिवाइज करूं, मतलब जो चीजें मैं पढ़ता चला जा रहा हूं उसे कैसे रिवाइज करूं। भाई हो सकता है आप दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, और उस सब्जेक्ट को मैं कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लूंगा फुल सिलेबस के साथ। यानी कि क्या मैं एक साल के अंदर जुडिशरी में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो कवर कर लूंगा। जल्दबाजी नहीं करनी है मगर जल्दी जरूर करनी है। तो इसलिए आप लोगों से बोलूंगा कि विद इन टाइम सिलेबस को कवर करना है और अपने सिलेबस को आप लोगों को तैयार भी करना है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करना है, यानी कि आंसर राइटिंग कर करके देखनी है, प्री के क्वेश्चंस लगाने हैं और इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। जी बिल्कुल, इस इनिशियल स्टेज से ही तीनों चीजों की तैयारी जरूरी है और ये किया जा सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर यहां आंसर राइटिंग करके हर तरीके का क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डीजीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अगर आप बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिहार में जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी कीजिए। और जब सब्जेक्ट वाइज तैयारी हो जाए तो उसके बाद उस स्टेट का पूरा सिलेबस के साथ जो पेपर पूछा गया है उसकी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर पूछा जाता है वो प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, यानी कि एक ही पेपर में काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आप लोगों से एक साथ दे दिया, तो ये तैयारी जरूरी है। और हो सकता है सिर्फ आपने पेपर 1 की तैयारी की हो, इसलिए जो स्टेट का सिलेबस है पेपर 1 की तैयारी भी पूरी होनी चाहिए, पेपर 2 की तैयारी भी पूरी होनी चाहिए और पेपर 3 की भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट वाइज तैयारी में लगे हुए, इसलिए मैं बोलूंगा अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा एक इंपॉर्टेंट काम, जब आप तैयारी स्टार्ट करें तो
तो एक साल का पीरियड अपने लिए अलग निकाल के रख लीजिए। ये जो एक साल का पीरियड है, ये आपकी तपस्या का पीरियड है। भाई आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि ग्रंथों में लिखा गया है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं आप उन्हें सबको पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको सेक्लूजन में जाना पड़ता है जब भी आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कि आपको दुनियादारी से दूर हटकर तपस्या करनी पड़ती है, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये एक साल की तैयारी, ये भी आपके ज्ञान की प्राप्ति ही है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाने जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा, इस एक साल के अंदर आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए और कुछ मत कीजिए, यानी कि जितना भी सोशल मीडिया नेटवर्क है इन सारी चीजों से अपने आप को दूर कर लीजिए, अपने आप को अकेले रखिए। भाई जितना आप अपने आप को अकेले रखने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को उतना ज्यादा महसूस करेंगे। अपने ऊपर काम कीजिए, ये सोच के रखिए कि ये एक साल मुझे मेरे लिए मिला है, मैं जहां सिर्फ पढ़ूंगा और वहां जब पढ़ाई करूंगा तो अपने इमोशंस को भी समझूंगा। देखो जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके अंदर इमोशंस का इम्बेलेंस बहुत होता है। भाई निगेटिविटी आती है, बहुत बार ऐसा लगता है कि यार लाइफ में बहुत चीजें खराब हो रही हैं, कुछ और कर लेता। तो इन सारी चीजों के थ्रू आप अपने आप को भी समझते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पर्सन एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा होता है, उसके स्वभाव में एक नर्मता होती है, उसका स्वभाव बहुत नरम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने उस टफ टाइम को जिया होता है जिसके बेसिस पर एग्जाम निकलेगा। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस टफ टाइम का पीरियड कम से कम एक साल रखिए, जहां आप सिर्फ कोचिंग लें और पढ़ें और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, यानी कि निगेटिव थॉट्स को अपने मन में ना आने दें और अपने अंदर रोज एक मोटिवेशन रखें कि मुझे ये एग्जाम करना है और ये एक साल का पीरियड मेरे लिए सजा नहीं बल्कि तपस्या है जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। इसलिए बोलूंगा ये एक साल की तपस्या तो अपने मन में बसा लीजिए कि एक साल की तपस्या तो मुझे करनी ही है। उसके बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा, तीन गोल्डन रूल हैं इस एक साल के अंदर। पहली बात, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि जो कर रहे हो उस पर डटे रहना है चाहे जो भी हो। भाई घर के काम है मुझे नहीं करने, मुझे अपने आप को अकेले रखना है, मैं अपना बंद कमरा रख के पढ़ूंगा। हो सकता है आपका टाइम रात का हो सकता है आपका टाइम दिन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये तीन गोल्डन रूल ध्यान रखिए, जिसमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो टाइम मुझे पढ़ाई का फिक्स किया गया है, दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं उस टाइम पर वो काम करूंगा ही करूंगा। यानी कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो पहले से टाइम बना लो कि भाई मुझे इस टाइम पढ़ना है, तो इसके अलावा मुझे कोई और काम इस टाइम पर नहीं करने की जरूरत है। उसके साथ मैं आप लोगों से बोलूंगा कि दुनियादारी से अवॉइड कीजिए। भाई देखो एक बात समझो, कभी भी आपका दिल किताबें नहीं दुखाती, पढ़ते समय खराब नहीं लगता, मगर जब आप एग्जाम की तैयारी करते तो इमोशनल इम्बेलेंस होता है जो बाहर के लोग ज्यादा करते हैं, अंदर से कम आता है। भाई आप किसी के पास गया, हो सकता है उसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लिया हो, वो अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हो, देखने के बाद खराब लगता है। भाई ये फीलिंग्स नॉर्मल है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है आपको खराब लग रहा हो कि मैं अपनी लाइफ में अभी नहीं कर पाया हूं, मैं पढ़ रहा हूं और दूसरा पर्सन मेरा साथ वाला उसकी जॉब लग गई। इसलिए अपनी इस निगेटिव फीलिंग को आने ही मत दीजिए और दुनियादारी से कट कीजिए। भाई हो सकता है आपको सोशल मीडिया खराब लगता हो, भाई सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना तो बहुत अच्छा लगता है, मगर बाद में जो उसका इफेक्ट होता है ना, वो इमोशनल इम्बेलेंस होता है, क्योंकि बहुत सब वहां अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं और कुछ खराब चीजें होती है तो इतनी खराब होती हैं कि दिमाग में थॉट उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक बनते ही रहते हैं। इसलिए उस दुनियादारी को अवॉइड कीजिए। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप अपना इंटरनेट एक लिमिटेड पीरियड के लिए खोलिए। भाई हो सकता है आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो अपना जो टाइम है उसी टाइम पर इंटरनेट खोलिए, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, और अगर आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पर रिप्लाई करना मस्ट है तो मैं बोलूंगा एक परफेक्ट टाइम बांध लीजिए। हो सकता है वो 30 मिनट का टाइम, 30 मिनट के अंदर अंदर इसी टाइम पर मैं सबको रिप्लाई करूंगा। हो सकता है आप रात का टाइम चूज कर लो, भाई 9 बजे से 9:30 बजे तक मैं खाना खाते हुए ये काम करूंगा।
आप ये काम कर सकते हो, या फिर जब मैं फ्री बैठूंगा तो अब मैं 9 से 9:30 बजे तक ये काम करूंगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। यानी कि एक परफेक्ट टाइम रखना है, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते एक्सट्रीम सिचुएशन है, वरना तो मैं बोलूंगा अनइंस्टॉल कर दो, बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज है, ये है आत्मविश्वास, यानी कि अपना आत्मविश्वास मत होने दो। बार बार एग्जाम की तैयारी करते समय आप लोगों को लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की नहीं है, मैं क्या करूं कि एग्जाम हो जाए, अंदर से एक सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन हमेशा रहती है। तो मैं बोलूंगा कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना डेली बेसिस पर एक अचीवमेंट लिखिए। मतलब अगर आप डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप एक अचीवमेंट अपना लिखना शुरू कीजिए। ये इस तरीके से लिखिए कि भाई मैं आज के दिन मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा और मैंने इसका रिवीजन भी कर लिया। पढ़ना अचीवमेंट में मत रखिए, उसका रिवीजन अचीवमेंट में आप रख सकते हैं। हो सकता है आप कोई और चीज को अचीवमेंट में रखें, जैसे कि आपने आंसर राइटिंग करी, भाई रिटन रिवीजन किया, तो आप इसे अपनी अचीवमेंट के अंदर रख सकते हो। ये आपको अंदर से ना सेल्फ डाउट नहीं आने देगा, आपको लगेगा कि रोज मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीख रहा हूं। क्योंकि जब कोई पर्सन बाहर जाता है तो उसके साथ सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन नहीं रहती, क्योंकि लोगों से मिलता है डेली बेसिस पर, उसे ऐसा लगता है मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है और इसके बदले में मंथली सैलरी भी ले लूंगा। मगर जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो पैसे मिल नहीं रहे होते, और ऐसा भी नहीं समझ आ रहा होता कि मैं डेली बेसिस पर लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए मैं बोलूंगा एक डायरी ऑफ अचीवमेंट बना लीजिए। हो सकता है आप उसे 7 दिन में मेंटेन करो, हो सकता है डेली बेसिस पर मेंटेन करो। मैं बोलूंगा डेली बेसिस पर मेंटेन करो और अपना आत्मविश्वास जगाए रखो। यानी कि आज मैंने इस चीज का रिटन रिवीजन कर लिया, आज मैंने अप्लाइड क्वेश्चन कर लिया। इस चीजों को आप अपनी डायरी में नोट कीजिए, जब भी सेल्फ डाउट आए तो एक बार इसे खोल कर देख लीजिए, नहीं तो इसका पेपर एक सामने अपने बोर्ड पर टांग दीजिए, तो ये सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी। भाई हो सकता है फिर लगे कि सर इतना सब कुछ करने पर भी एग्जाम नहीं निकलेगा, मैं बोलूंगा ऐसा नहीं होगा। मन को आपको समझाना होता है, और ये मन को समझाने का बेस्ट तरीका है जब आप एग्जाम की तैयारी को कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि और क्या करना चाहिए। भाई मैं आपसे बोलूंगा कि आप अगर तैयारी करना चाहें तो खुद भी कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप खुद तैयारी नहीं कर सकते, या फिर आप चाहें तो कोचिंग के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। मगर जब आप खुद तैयारी करते हैं तो ये 1 साल का जो टाइम पीरियड है ना, ये बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सिंगल बुक सफिशिएंट नहीं है। आप अगर किसी अच्छे स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग से क्या फायदा होता है, भाई कोचिंग से फायदा होता है इस केस में, वहां कोचिंग में डिकोडिंग ऑफ सिलेबस हो चुकी होती है, यानी कि सिलेबस में कब कहां क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम पहले ही डिकोड कर चुके होते हैं। जैसे कि अगर आज के टाइम में आप एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो प्री में आप लोगों से जो माइनर एक्ट हैं वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे, स्पेशल लॉ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो हम लोग डिकोडिंग ऑफ सिलेबस ऑलरेडी करके बैठे। उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस भी हम करके बैठे हैं, भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, तो ये ट्रेंड एनालिसिस रहता है। फिर साथ ही टेस्ट होता रहता है और रिविजन भी आप लोग करते रहते हैं, ये कोचिंग के बेनिफिट होते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि कोचिंग से करनी है या फिर सेल्फ भी करनी है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप कोचिंग से करते हो तो 1 साल का टाइम होता है और आपको एक्चुअल पैटर्न पता होता है कि किस तरीके से तैयारी स्टार्ट की जा सकती है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि प्लानिंग की जो स्टेज थी वो याद रखनी है इन सारी चीजों के साथ। 1 साल की तपस्या, नो दुनियादारी, और कोचिंग के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कि हमने बात करी थी 3 स्टेज की, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये तो हो गई थी प्लानिंग की बात, अब हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। भाई कैसे स्टार्ट करें, हो सकता है आप माइनर और मेजर सब्जेक्ट के साथ एक एक करके चूज करें, हो सकता है आप 2 मेजर सब्जेक्ट एक साथ चूज करें, मगर मैं बोलूंगा कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज्यादा कभी चूज मत कीजिएगा। भाई हो सकता है आप कोचिंग पढ़े और वहां 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और आप चारों की क्लासेस लेना चाहें, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि लॉ को एब्जॉर्ब होने में आपके अंदर टाइम लगेगा, आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं, इसलिए मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है।
उसके बाद में बोलूंगा कि रिवीजन स्ट्रेटजी बना के रखिए, यानी कि जो आज पढ़ा है उसे आज या फिर मैक्सिमम कल तक रिवाइज करना है, फिर जो उसके बाद आज पढ़ा है उसके बाद उसे थर्ड डे रिवीजन करना है, उसके बाद फिर जो आज पढ़ा है उसे सेवेंथ डे रिवीजन करना है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी 137। भाई बहुत सारी स्टडीज जनरल आप पढ़ोगे तो मेमोराइजिंग के लिए स्ट्रेटजी बताई जाती है कि 137 की एक स्ट्रेटजी है, जो कि काफी सारे जनरल्स भी इस स्टडी को सपोर्ट करते हैं कि अगर आपने जो चीज आज पढ़ी, थर्ड डे पढ़ ली और सेवेंथ डे पढ़ ली, तो उसके बाद वो आपको याद रहती है, ऐसा जनरल्स कहते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि रिवीजन स्ट्रेटजी में जब आप भी अपने अंदर ये चीजें इंक्लूड कर सकते हो कि जो चीज आज पढ़ी है उसे मैक्सिमम कल तक पढ़ लेना है, थर्ड डे पढ़ लेना है और सेवेंथ डे एक बार उसका रिवीजन फिर से करना है, यानी कि 137 की स्ट्रेटजी मुझे रिवीजन में रखनी है। इसके अलावा मैं आप लोगों से बोलूंगा अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कीजिए। सर प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो सकती है, ये भी मन में एक सवाल आता है। मैं बोलूंगा सबसे पहली बात, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा लाइट फूड खाना शुरू कीजिए। भैया आप छोले भटूरे खा के दिन भर नहीं बैठ सकते, अजीब सा लगने लगेगा, बहुत सारी परेशानी आएंगी, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लाइट फूड लें, ठीक है, हल्का फुल्का खाना खाइए, दाल चपाती खाइए, ताकि आपको खाना जो है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है इस तपस्या के लिए। इसलिए सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करिए। सर ये क्या तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का, मैंने आप लोगों को बताया कि अपनी अचीवमेंट डायरी रखिए, अचीवमेंट डायरी, इस अचीवमेंट डायरी के साथ अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। कैसे, जैसे कि आपने सेवेंथ डे पर अपना रिवीजन स्ट्रेटजी बनाई कि मैं रिवाइज करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि सेवेंथ डे ना अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। जब आपने 137, ये सेवेंथ डे आपने जब अपना टारगेट अचीव कर लिया हो तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। हो सकता है आप उस दिन कुछ अच्छा खा लीजिए, तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे। एक अचीवमेंट डायरी और उसके बाद उस अचीवमेंट के बदले रिवॉर्ड, तो इसी में लाइफ जो है ना गुजरती रहती है, तो आपके अंदर ना जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होता। डेली बेसिस पर मोटिवेशन लेना है, वो भी अपने अंदर अचीवमेंट डायरी के थ्रू, और 137 में अगर सेवेंथ डे रिटिन रिवीजन कर लिया, यानी कि मैं परफेक्ट रास्ते पे चल रहा हूं, इसलिए मुझे रिवॉर्ड देने की जरूरत है अपने आप को, तो रिवॉर्ड दे सकते हो आप एक दिन छुट्टी लेकर भाई, यानी कि आपने आज हाफ डे ले लिया, या फिर आपने अपनी लाइफ में उस दिन अपने आप को रिवॉर्ड देकर कुछ अच्छा खा लिया, कहीं बाहर घूमने चले गए। मगर बाहर घूमने का मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि किसी पार्टी में चले गए, क्योंकि पार्टी का इफेक्ट और मूवी का इफेक्ट ये लंबा रहता है। भाई अगर आपने कोई वेब सीरीज देखी, कोई मूवी देखी, उससे रिलेटेड ना थॉट बार बार बनते रहते हैं, इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा। हमेशा टेबल और चेयर पर बैठकर ही पढ़िए। बेड पर बैठकर कुछ लोगों की पढ़ने की आदत होती है, इस आदत को छोड़ दीजिए और टेबल चेयर पर बैठिए। धीरे धीरे करके कंफर्ट लेवल अचीव होने लगेगा, मगर बोलूंगा कि टेबल और चेयर पर ही बैठकर पढ़िए। उसके बाद मैं बोलूंगा कि प्रॉपर स्लीप लीजिए, यानी कि भाई टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, रात में लंबी लंबी बातें नहीं करनी है, वेब सीरीज नहीं देखनी है, क्योंकि दुनियादारी को अवॉइड कर रहे हैं। सर मुझे तो वेब सीरीज बहुत पसंद है। कुछ दिन के लिए अपनी तपस्या को याद कीजिए कि अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो महापुरुषों ने भी एक एक साल की तपस्याएं की थी, पहले जंगल में जाकर तपस्या होती थी और आज के टाइम में अपने आप को अंदर कमरे में बंद कर कर बैठकर तपस्या होती है। तो इसलिए इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, टाइम से सोइए और इधर उधर की चीजों को अवॉइड कीजिए। साथ ही मैं आप लोगों से बोलूंगा कि प्रॉपर रेस्ट भी लीजिए। कुछ लोगों को लगता है रेस्ट का मतलब किसी से बात कर लेना, रेस्ट का मतलब मुझे टीवी देख लेना, मैं बोलूंगा इन चीजों से दूर रहिए। अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो या तो सो जाइए या फिर आप वॉक पर चले जाइए। जब आप वॉक पर जाते हो ना तो आपकी ना एनर्जी डबल होती है। भाई आप नेचर के जितने करीब जानते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये भी जनरल्स कहते हैं।
अगर आप नेचर के पास जाओगे तो आपको एक अंदर से पॉजिटिव थॉट रहते हैं, अपनी चीजों को आप एंजॉय करने लगोगे, तो जो मन में निगेटिव थॉट्स हैं वो भी नहीं आएंगे और एग्जाम की तैयारी और तपस्या को भी बूस्ट मिलेगा। फिर से बोलूंगा कि दुनियादारी को अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करोगे तो एक साल की तपस्या बार बार भंग होती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि इस काम को जितनी जल्दी करो उतना बेहतर, क्योंकि इस काम को अगर नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, निगेटिविटी आती चली जाएगी। लोगों से कम बात कीजिए, इंटरनेट पर कम रहिए, इस कॉल कम कीजिए, उतना बेहतर आप अपनी लाइफ में कर पाओगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकते हो, कंसिस्टेंसी कैसे कर सकते हो और डिसिप्लिन लाइफ क्या होती है। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, प्लानिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट किए जा सकते हैं, क्या करना चाहिए, तो ये सही तरीका है पढ़ने का। सर मैं 6 घंटे पढ़ू, मैं 7 घंटे पढ़ू, 10 घंटे का पढ़ू, मैं आपसे बोलूंगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप पर काम कीजिए। यानी कि अभी आपने एकेडमिक्स में पढ़ा है, एकेडमिक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में डिफरेंस होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अपने आप को संभालना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि हो सकता है पहली बार में ही सफलता ना मिले। आप 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद एग्जाम देने जाओ और आपका प्री एग्जाम भी क्वालिफाई ना हो, इसलिए उसे अपने आप को संभालना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। इसलिए एक साल की तपस्या, प्रॉपर प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेट रहना है, दुनियादारी अवॉइड करनी है और लाइट फूड खाना है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और साथ ही मैं बोलूंगा लॉन्ग चैट्स, वेब सीरीज बंद कर देनी, तो एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। रिवीजन स्ट्रेटजी 137, और अपने आप को अचीवमेंट पर रिवॉर्ड भी देना शुरू कीजिए। हर 7th डे रिटन रिवीजन पर अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना जुडिशरी का एग्जाम सिर्फ एक साल के अंदर की तैयारी के अंदर ही क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे। तो आज आप लोगों से यही विदा लेता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर, फैजान 92 कोड के साथ। भाई कोड याद रखिएगा, फैजान 92 कोड है। अगर आप डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हो सारे स्टेट्स की प्रिपरेशन के लिए, तो फैजान 92 कोड यूज करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।